आरएसएस के समन्वय कार्यक्रम का आज यानी 2 सितंबर को समापन दिन था। इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी और आरएसएस दोनों पिछले कई दिनों से योजना बना रहे थे। इस मीटिंग का बीजेपी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। इंतजार इसलिए भी था क्योंकि इस मीटिंग से ही बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलने वाला था। इस मीटिंग की रूपरेखा आरएसएस ने लोकसभा में बीजेपी के प्रदर्शन के बाद ही तय कर ली थी और आयोजन स्थल का चुनाव भी उसी वक्त कर लिया गया था। केरल राज्य को इस मीटिंग के लिए चुनने के पीछे भी एक वजह है। आरएसएस का देश भर में सबसे ज्यादा शाखा लगभग 5000 शाखा केरल में ही है और बीजेपी यहां पहली बार कोई सीट जीतने में कामयाब रही है। केरल में भी पलक्कड़ को ही चुनना आरएसएस का एक प्लान का हिस्सा है क्योंकि बीजेपी यहां चुनाव भले ही हार गई हो लेकिन बीजेपी और आरएसएस हाईकमान केरल या यू कहे कि पलक्कड़ की जनता को ये संदेश देना चाहती है कि अगर आप बीजेपी को मौका देते हैं तो आपके जनप्रतिनिधि को केंद्र में सरकार का हिस्सा बनाया जाएगा, जैसे सुरेश गोपी को मंत्री बनाया गया है। अब इस मीटिंग का समापन हो गया है। आरएसएस ने अपने पसंदीदा नेता के नाम का चिट्ठी बीजेपी तक पहुंचा दिया है। सूत्रों की माने तो अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की पहली पसंद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। पहले ऐसा बताया जा रहा था कि आरएसएस बीजेपी से नाराज चल रहा है, लेकिन जैसा फीडबैक बीजेपी का हरियाणा और जम्मू कश्मीर में मिला है उसके बाद एक बार फिर बीजेपी का झुकाव आरएसएस की ओर दिख रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री बन गए, तो ये बात तो तय था कि उनके जगह कोई दूसरा व्यक्ति पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बैठने वाले व्यक्ति को आरएसएस का खास माना जाता है, इसलिए इस वक्त अध्यक्ष पद के लिए केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। क्योंकि अगर हम केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति की बात करें तो वह बाल अवस्था से ही बाल स्वयं सेवक संघ से जुड़े रहे और उनकी छवि हिंदुत्ववादी छवि है। वह आरएसएस के इर्द गिर्द वाली राजनीति करते हैं, ऐसे में वह अध्यक्ष पद के लिए आरएसएस की पहली पसंद बने हुए हैं। राजनीति के जानकारों की माने वह बीजेपी और आरएसएस के बीच पुल का काम कर सकते हैं, जो पिछले कुछ महीनों से गैप ऑफ कम्युनिकेशन आरएसएस और बीजेपी के बीच में देखने को मिली है, उसकी वजह से बीजेपी को चुनाव में नुकसान भी उठाना पड़ा है। उस खाई को पाटने का प्रयास केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाकर बीजेपी और आरएसएस करना चाहेगी। आरएसएस की इस मीटिंग में एक चीज जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई वह आने वाले 4 राज्यों में बीजेपी को कैसे चुनाव जिताया जाए, क्योंकि इन राज्यों में शुरुआती रुझान में बीजेपी को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है और पार्टी की स्थिति भी वहाँ कमजोर दिखाई दे रही है। ऐसे में इन राज्यों में संघ के कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का भी निर्देश दिया गया है। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।